जाना है आपने? भाई जान किसके पास जाना है? अच्छा कहाँ जाना है आपने? अच्छा फिर कहाँ जाओगे आप? अच्छा अच्छा जाए भाईजान पास जाना है? यस। फिर क्या करोगे भाईजान के पास जाके? पारी करोगे भाईजान को? आओ चले भाईजान तो पार्टी अपने टीचर से। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी होंगे, मजे कर रहे होंगे। और जनाब मेरी तो बच्चों के साथ यही रूटीन है। और यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, 3-4 बजे का टाइम है डे का। और सहरी के बाद बच्चे स्कूल चल जाते हैं। बच्चों को स्कूल से पिक करने के बाद, खाना खिलाने के बाद बस थोड़ा रेस्ट किया, फिर इनके ट्यूटर आ जाते हैं, बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ में बिज़ी। और यहाँ पे मैं इफ्तारी की तैयारी 4 बजे 4:30 बजे शुरू करती हूँ। उससे पहले मैं इसलिए नहीं करती कि ऑन द स्पॉट जब मैं बनाती हूँ तो चीज़ें भी फ्रेश होती हैं, और दूसरा ये कि आप जितना मर्जी आप पहले अपनी चीज़ों को वाइंड अप करने की कोशिश करें, टाइम लग जाता है। तो मेरा होता है कि मैं मतलब कि ना 4 बजे ही शुरू करूँ। अगर मेरे ज़्यादा अहतमाम करना है तो 4-5 बजे ही मैं इफ्तार बनाना स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मैं चिकन ना साफ करके रख लेती हूँ पैकेट्स बना के। यहाँ पे पानी बॉयल करी थी, मैक्रोनी पास्ता बनाना था तो उसको मैं बॉयल कर लूँगी। थोड़ा सा मैं ऑयल और साल्ट लास्ट में ऐड करती हूँ, बहुत अच्छा कलर भी अच्छा आता और खिली खिली सी चिपकी चिपकी नहीं होती जो आपस में लेस ली, उस तरह की फिर मैक्रोनी बॉयल नहीं होती है। और एक तरफ मैंने दही भल्लों के लिए पोटैटो बॉयल होने रखती है। वैसे बॉयल ज़्यादा लोग खाते नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने ना मेरी ना जो समोसा पट्टी रोल मैंने ऑलरेडी बना के फ्रोजन रखे थे, रेडीमेड थे मेरे, तैयार थे, मैं पहले ही तैयार कर दिए थे रमज़ान से पहले, वो मेरे ख़त्म हो गए थे। तो मैंने अब थोड़े से आलू उसके लिए भी मुझे चाहिए थे। यहाँ पर मैं ये जो फुल्कियाँ ही कहते हैं, वैसे मेरी उर्दू सारा कुछ ही मेरा ख़राब है। अच्छा वैसे इसे पता नहीं, कुछ लोग भलियाँ भी कहते हैं, फुल्कियाँ भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, आई डोंट नो। तो ये मैंने डिप करके रखती हैं ताकि ये भी 1 घंटे के अंदर है, आधे घंटे में अच्छे से सॉक हो जाएं। और अच्छा वैसे मैंने ये एक चीज़ नोट की है, ये मैंने अली से मंगवाई थी, मतलब रमज़ान में 2 दफ़ा मंगवाई थी। जब फर्स्ट टाइम मंगवाई थी ना उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, सेकंड टाइम जिससे लेके आया था इतना अच्छा टेस्ट था। शायद वो मटेरियल का और फ्राई करने का भी होता है, लेकिन ऐसी मैंने ना वैसी ही मैंने खा ली थी, इतनी अच्छी टेस्टी थी। ऐसे लग रहा था जैसे निमकों को नहीं आप एज अ स्पाइस के तौर पर यूज़ करते हो, आपको मज़ा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट था। वेल ना यहाँ पर मेरी मैक्रोनी बस बॉयल हो गई है, ऑलमोस्ट डन है। और इसको मैं ना जब मैं उतारूंगी तो मैं ऑयल, मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करते हैं और गर्म पानी से जब आप इसका स्ट्रेन करते हैं ना, देन आपने इसको ठंडे पानी से ज़रूर निकाल लेना है। उससे ये होगा कि जो आपकी मैक्रोनी है खिली खिली रहेगी और आपस में जुड़ेगी नहीं। माई यूट्यूब फैमिली कोशिश किया करें पॉम्पस ना हो जाए, जितना आपके पास है अल्लाह पाक ने जितनी जिसको जो बजट दिया उसमें रहना सीखें, शुक्र करना सीखें। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है हमारे पास बहुत सारा कुछ होता है, हम बहुत कुछ अहतमाम कर लेते हैं। बेसिकली जो हमारा रोज़ा है, रमज़ान है, हमारी यही प्रैक्टिस होती है, जब है तब अल्लाह का शुक्र और जब नहीं है तब उससे ज़्यादा शुक्र करें कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल समझा कि हमें आजमाइश में डाला। तो बस छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया करें, प्रैक्टिस किया करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। लाइफ में अप डाउन आते ही रहते हैं। और यहाँ पे मैक्रोनी के लिए मैं ना थोड़ा सा मैंने प्याज को काटा था, ज़्यादा नहीं काटा था, थोड़ा सा प्याज जस्ट मैंने, क्योंकि वो टिक्का मैक्रोनी बनानी थी। तो आपको पता है जब हमने टिक्का मैक्रोनी बनानी और चिकन भी ऐड करना हो तो थोड़ा सा वो एक रॉ फ्रेग्रेंस होती है, उसको आपने दूर करना होता है ना। तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का मैं ना पाउडर इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं बड़ी आजकल ज़रा हुई हूँ लेज़ी। जो मैंने दैन मैंने ना लहसुन अदरक का मैं ना पेस्ट बना के रख लेती होती हूँ, लेकिन वो लहसुन मैं लेके आई थी तो छीलना ख़त्म हो गया था लास्ट टाइम का, तो नया मैंने छीला नहीं। तो मैं अब क्या करूँगी, वैसे मैंने एहतियातन ना पाउडर ला के रखा होता है नेशनल के ना। अच्छा ये मेरी मैक्रोनी मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से मैंने ठंडे पानी से निकाल के रख दिया, ये ठंडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं रेड नहीं करना, ना मैंने इसको ब्राउन करके जलाना, जस्ट इसको मैंने लाइट से सोते करना है प्याज को ना। और बस जैसे ही थोड़ा सा नरम हुआ प्याज, मैंने इसमें चिकन बोनलेस चिकन ऐड कर दिया, ज़्यादा नहीं ऐड किया, थोड़ी सी बस एक टेस्ट के लिए ऐड किया है। तो आप समझे कि पता नहीं ढेर सारी बोटियाँ मैंने डाल दी है, ऐसा कुछ नहीं है।
और सामने मुझे इतनी हंसी आती है, माशाल्लाह माशाल्लाह से जो मेरा बेटा है अफान, वो थोड़ा फूडी लाइक मी क्रेजी है, तो वो यही कहता है बाबा बोटियाँ किधर है। मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा ना मैंने बिरयानी बनाई, और वो बिरयानी बस उस टाइम ना मेरे पास चिकन ही था, इससे मुझे फरमाइश के स्कूल से आया, मैंने ना मैंने क्या बनाया था, करेले बनाए थे, तो मुझे कहते हैं मुझे ना बिरयानी खानी है, मैंने कहा बिरयानी खानी है हाँ, तो मैंने मेरे पास ना चिकन पाउडर, चिकन करी पाउडर पड़ा हुआ, तो मैंने इसको वो डाल के बिरयानी बना दी तड़के वाले चावल की तरह। अब वो खाई जा रहा है और मुझे कहते हैं मम्मा इसमें पोटी नहीं आ रही है और मैं कह रही हूँ अभी आ जाएगी अभी आ जाएगी। समटाइम हमें ऐसे भी करना पड़ता है, और मैं उसको कहती अभी खाओ ना आपको टेस्ट नहीं लग रहा, कहता मम्मा वैसे एक बात है इसमें टेस्ट तो बिरयानी का लेकिन मुझे बोटी कहीं भी नहीं नज़र आई। और मैंने कहा यही तो बेटा है कि कोई बात नहीं है इस, ये बोटी के बगैर बिरयानी है। और मुझे इतनी हैरत हुई, वो रात को अपनी दादो को फ़ोन पर बताया था मेरी मम्मा ने ऐसी बिरयानी बनाई उसमें बोटी के बगैर बिरयानी, और दादो उसमें टेस्ट भी बिरयानी का था, बोटियों का टेस्ट था लेकिन उसमें एक भी बोटी नहीं थी, और सबका इतना हंस हंस के बुरा हाल। और यही मैं आपको दिखाया, मैं इसमें चिकन करी पाउडर अक्सर ऐड करती हूँ, अगर आपके पास कनौर क्यूब है, चिकन पाउडर है, जो भी आप ऐड कर दो ना थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये मेरी टिक्का मैक्रोनी रेडी है, और बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा सा दम पे रख दूँगी, और बड़ी अच्छी सी खिली खिली सी इसकी शक्ल है। यही अफ्तार रेसिपी एक डन हो गई है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों से वादा किया था, क्योंकि मतलब दो तीन दिन में ना लाइट इफ्तार था, तो मैंने सोचा चलो एक दो तीन दिन का फैंसी इफ्तार कर देते हैं। और ये यहाँ पे रेयान इसको ज़रा पसंद है ना, चिकन ब्रोस्ट, चिकन ना ब्रोस्ट फॉर्म में पसंद है, तो मेरे पास ये जो कुछ पीसेस पड़े हुए थे चिकन के, तो मैंने इनको ना मैरिनेट करके रख दिया था, कट लगा के मैरिनेट करके रख दिया था योगर्ट में ना, और बस ये भी ऑलमोस्ट बन चुके हैं, और ये बड़े अच्छे से अंदर तक ग्रिल्ड हैं, पके हुए हैं। तो जनाब हमारी सेकंड डिश भी रेडी है, ये थर्ड में आपको पता है हर घर में समोसा के बगैर लोग कहते हैं समोसे पकौड़ों के बगैर तो इफ्तार होता ही नहीं है जब तक रोल्स ना मिले। अच्छा वैसे मेरे बच्चों को ना घर की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह वो घर की होममेड को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू आप बाहर का कुछ भी मंगवा लूँ। इवन मैंने आपको बताया ना कि एक ही दफ़ा मैंने कचौड़ी मंगवाई थी पूरे रमज़ान में, वो भी बाहर की, पेट डिस्टर्ब हो गया, ज़रा अच्छा टेस्ट नहीं था, सब ने छोड़ दी, तो वो वेस्ट ही गई ना। जाहिर सी बात है हम किसी को झूठा तो दे नहीं सकते हैं, वो डस्टबिन में भी क्या मतलब परिंदों को बंदा डाल देता है। और फिर मेरी कोशिश होती थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन घर का ही मैं बनाऊँ जो भी बनाऊँ। और अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जब भी मैं इफ्तार टाइम पे मेरी एक चूल्हे पे ना एक साइड पे मेरा दूध बॉयल हो रहा होता है, तो हाँ जी हमारे ना मगरिब के टाइम से पहले कुछ देर पहले ही दूध आता है, फ्रेश मिल्क आता है। अच्छा कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो पूरे पूरे महीने का स्टॉक इकट्ठा करके फ्रीजर में रख देते हैं फ्रोज़न आइटम्स का, लेकिन पता नहीं मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। मेरी कोशिश होती है एक हफ़्ता, एक या डेढ़ हफ्ते से ज़्यादा मैं कभी ऊपर नहीं जाती हूँ। ये रोल्स और ये समोसा पट्टी मैं बना के रखती हूँ ना, फिलिंग बना के तैयार करके रखती हूँ, एक वीक से ज़्यादा मैं कभी उसको टाइम नहीं देती हूँ, और उतनी अमाउंट रखती हूँ जितनी एक वीक में यूटिलाइज में कर पाऊँ। अब ये मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने बताया ना मैं आलू बॉयल किए थे, आलू और चिकन मेरे पास ऑलरेडी, मैंने श्रेडेड चिकन फ्रिज में रखा हुआ था, और थोड़ी सी मायोनीज लगा के अच्छा सा मतलब इसकी फिलिंग तैयार करके ये मेरे बना के रख लिए थे। और ये एक तरफ बच्चों को पसंद आते हैं, अच्छा वो एक कार्टून करेक्टर आते हैं ना वो मोटू पत्तू, उसमें मोटू को समोसे बड़े पसंद है, तो इनका होता है मामा वो मोटू को समोसे पसंद है, तो हमने भी समोसे वैसे ही खाने हैं। वो बच्चों को उससे समोसे खाने का बड़ा क्रेज़ आया है, क्योंकि अक्सर देख लेते हैं वो इंडियन कार्टून है मोटू पत्तू, उनको अच्छे लगे, तो वहाँ से मेरे बच्चे समोसे के क्रेज़ी हो गए। और यहाँ पे समोसे तो मैं हमेशा जब भी खुद बनाती हूँ फिलिंग तैयार करती हूँ, तो समोसों की शेप मुझे बनाना ज़रा मुश्किल लगता है, ये रोल की शेप फिर भी ज़रा जल्दी बन जाती है, तो ये रोल और समोसे बस ये भी ऑलमोस्ट फ्राई हो जाएंगे, सिंगल सिंगल सी कोटिंग होती है, इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती है कि आप इसको फ्राई करो, बड़ी जल्दी कुक हो जाते हैं, तो मैं पट्टी बाहर से बाय कर लेती हूँ और फिलिंग खुद ही तैयार कर लेती हूँ ना, और ज़रा सी यकीन करें ज़रा सी देर हो जाए ना तो ये जल जाते हैं। मैं तो इसलिए ऑयल का काम हो तो बच्चों को भी मना कर देती हूँ प्लीज़ मेरे पास नहीं आना, आपको पता है फिर केयर तो ज़रूरी होती है ना। अच्छा वैसे मैंने एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी, मुझे नहीं पता कि ऑल बाकी कितनी फैमिलीज़ में ऐसा होता है, लेकिन मैंने मेजॉरिटी ऐसा देखा है,
अल्लाह ताला के करम से हमारे पास रमज़ान में हमारी टेबल जितनी सजी होती है ना, हमारे दिल उतने ही छोटे क्यों हो जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैंने कुछ लोगों को अपनी आंखों से देखा है और मैं उनको डायरेक्टली भी पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी पर क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से हम अपने लिए सोचते हैं ना, एफर्ट करते हैं, जो फैंसी चीज़ें हम खुद के लिए सोचते हैं, जब हम किसी को दें तो हम उसी तरीके से दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि जो तुम खुद के लिए पसंद करो अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करो। मेरी तो कोशिश होती है, अगर हम उतना नहीं कर सकते मैं तो उससे ज़्यादा भड़के करूँ, और अल्लाह का शुक्र है, मतलब मैं अगर सोचूंगी मेरे पास ब्रांडेड नहीं है लेकिन मैंने अगर किसी को देना है तो मैं अपना आप काट के उसको दूंगी, कि यानी कि मुझे लगता है ये मेरे में क्वालिटी है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला किसी को किसी काबिल समझता है तो ही उस पर वो कोई बोझ डालता है। तो कोशिश किया करें कि दिल के मामले में आप बड़े हो जाएं, क्योंकि ये हमारी अहलाकियात है और यही जो अहलाकियात है हमारे अमलियात है, हमें बहुत आगे तक पहुँचा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे काम किस तरह सवरने शुरू हो जाते हैं। सो अपनी चीज़ों में, अपनी डेली लाइफ की जो भी डीलिंग्स हैं, आप जो भी हैंडल करते हो, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा ना, ऐसे कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कतरा बन जाता है, थोड़ा थोड़ा कतरा मिलके दरिया बन जाता है, तो निकालते रहा करें, देते रहा करें, और प्लीज़ किसी से मत शेयर किया करें। अगर कोई आप पे एहसान करता है या आप किसी पे एहसान करते हो तो ढिंढोरा मत पीटा करें। कोई किसी भी तरह से किसी की हेल्प करता है, यकीन करें, मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी थी, और हम अच्छा, लेने वालों की भी कैटेगरी है, देने वालों की भी कैटेगरी है। कुछ लेने वाले ऐसे हैं, अच्छी चीज़ हो ना, बिरयानी उनको मिल रही हो वो रख लेते हैं, एज़ कम्पेयर उनको अब मैं क्या एग्जांपल दूँ, कुछ भी कर लो, आजकल का वो दौर है बोटियों को सलाम करते हैं लोग ना, उस तो देने वाला हो या लेने वाला, दोनों को एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। हलूस और नीयत के साथ कोई कुछ भी देता है तो दिल के साथ दे रहा हो तो कबूल कर लेना चाहिए। वेल, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी ना, जो मेरी पट्टी रोल्स मुझसे ख़राब हो जाते हैं ना, वो दही भल्लों में ना, वो जो पापड़ियाँ नहीं बन जाती हैं, वो मैं इसमें स्प्रिंकल कर देती होती हूँ। यहाँ मेरा इफ्तार रेडी है, और व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम याद रखेंगे।